नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको प्रस्तुत करेंगे बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेगा की 2023 में की गई डरावनी भविष्यवाणियों के बारे में। ये भविष्यवाणियां अगर सच हुई तो दुनिया में मच जाएगी तबाही। बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेगा दुनिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में शामिल हैं। इनकी भविष्यवाणी पर पूरी दुनिया यकीन करती है। बाबा वेगा ने साल 2023 के लिए कई डराने वाली भविष्यवाणियां की थीं। भविष्यवाणियों के लिए मशहूर बाबा वेगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। बाबा वेगा को बालकन क्षेत्र का नास्त्रेदमस कहा जाता है। बाबा वेगा ने मरने से पहले दुनिया के खत्म होने से लेकर युद्ध और आपदा समेत कई भविष्यवाणियां की थीं। बाबा वेगा ने सन 5079 तक की भविष्यवाणी की थी। बाबा वेगा की साल 2023 के लिए भी की गई कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। बाबा वेगा ने सोवियत संघ के विघटन, अमेरिका में आतंकी संगठन अलकायदा के 9/11 हमले समेत कई भविष्यवाणियां की थीं, जो सच साबित हुई हैं। बुल्गारिया की दृष्टिहीन बाबा वेगा की 12 साल की उम्र में ही आंखों की रोशनी चली गई थी। अब बाबा वेगा की साल 2023 के लिए की गई भविष्यवाणी लोगों को डरा रही हैं। बाबा वेगा का जन्म 31 जनवरी 1911 में स्ट्रुमिका, उत्तर मैसेडोनिया में हुआ था। 11 अगस्त 1996 में बाबा वेगा की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि बाबा वेगा भविष्य देख लेती थीं। बाबा वेगा ने साल 2023 के लिए की गई कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं, जबकि कुछ बाकी हैं। अगर भविष्यवाणियां सच हुई तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। बाबा वेगा की भविष्यवाणी के मुताबिक 2023 में एक बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हो सकता है। इससे पूरे एशिया में जहरीले बादल छा जाएंगे। साल 2023 के लिए बाबा वेगा ने शक्तिशाली सौर तूफान की भी भविष्यवाणी की थी। यह साल 2023 में धरती की जलवायु को बुरी तरह प्रभावित करेगा। बाबा वेगा की भविष्यवाणी के मुताबिक इस साल तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इस युद्ध में परमाणु हमला भी हो सकता है। इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। इन सब भविष्यवाणियों को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाबा वेगा के अनुभव से भरी हुई भविष्यवाणियां हमें सतर्क रहने की सलाह देती हैं। हालांकि उनकी भविष्यवाणियों के पीछे के रहस्यों को हम आज भी समझने में असमर्थ हैं। चलिए हम सभी अपने आप में सतर्क रहें और अपने भविष्य को सकारात्मक बनाने के लिए प्रयासरत रहें। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारी वीडियो देखी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को बजाना ना भूलें, ताकि आप हमारी नवीनतम वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद और हम जल्द ही आपसे मिलते हैं।